नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ में गजेंद्र गुर्जर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। नरेश गुर्जर शास्त्री की भागवत बिजोली गांव फिरोजाबाद में चल रही है, जिसमें उन्होंने कई मार्मिक कथाओं का अपने मुखारविंद से वर्णन किया। और हम आपको बता दें कि नरेश गुर्जर शास्त्री वह कथावाचक हैं जिनकी मधुर वाणी को सुनकर नर नारी या जीव जंतु भी झूमने लगते हैं। नरेश गुर्जर शास्त्री को पहले ऋषियों का सम्राट कहा जाता था, जो कि आज उन्होंने अपने उस क्षेत्र को छोड़कर नए क्षेत्र में रुचि रखते हुए अपनी अलग पहचान बना रखी है। नरेश गुर्जर शास्त्री वह कथावाचक है जिन्होंने यूपी एमपी राजस्थान में अपनी धूम मचा रखी है। आज हमारी भारत न्यूज टीवी की टीम उनकी भागवत में बिजोली गांव फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि नरेश गुर्जर शास्त्री व्यास गद्दी से कई भागवत कथाओं का वर्णन कर रहे थे। आज भारत न्यूज टीवी के एंकर गजेंद्र गुर्जर ने उनसे खास मुलाकात करते हुए पूछा कि आपकी इस क्षेत्र में रुचि कैसे बनी। तो उन्होंने बताया कि मुझे बचपन से ही कथा भागवत करने का शौक था। मेरे पिताजी भी पहले होली रसिया गाने के शौकीन थे, उन्हीं को देख करके मुझे प्रेरणा मिली और मैं गायक कीरत सिंह गुर्जर का शिष्य बन गया और उनकी कृपा से आज मैं इस मुकाम पर हूँ।